अमन सुबह में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको इस पूरी वीडियो में ले जाने वाला हूँ गोल्डन टेंपल, जहाँ पर मैं आपको दर्शन कराऊँगा गोल्डन टेंपल में, और साथ ही में मैं आपको वहाँ पर लंगर प्रसाद भी दिखाऊँगा। तो आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ। चलिए अमृतसर आ चुके हैं, अब चलते हैं आगे अपनी डेस्टिनेशन की ओर। दोस्तों, मुझे जाना था गोल्डन टेंपल, तो मैंने होटल गोल्डन टेंपल के बहुत पास लिया। गोल्डन टेंपल के 400 मीटर के एरिया में बहुत सारे होटल हैं, तो आप भी होटल गोल्डन टेंपल के पास ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको इस पूरे वीडियो में गोल्डन टेंपल दो बार दिखाऊंगा। ये है सुबह का व्यू, एक बार आप जल्दी से देखिए सुबह गोल्डन टेंपल कैसा दिखता है। सुबह के टाइम काफ़ी सारे लोग आपको यहाँ पर सरोवर में स्नान करते हुए नहाते हुए भी दिखेंगे। तो अब हम आपको दिखाएंगे रात का गोल्डन टेंपल का व्यू कैसा होता है। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर गोल्डन टेंपल पर, और ये है गोल्डन टेंपल का गेट नंबर 2। चलिए आपको अंदर चल के दिखाते हैं कैसा है यहाँ का व्यू। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सबसे पहले पैर अपने साफ करने हैं, उसके बाद अंदर जाना है। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर जो गेट है, और ठीक सामने हमको दिख रहा है यहाँ पर गोल्डन टेंपल का एक बहुत सुंदर व्यू। तो अभी हम सीधे सामने जा रहे हैं गोल्डन टेंपल के दर्शन करने के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ तो है काफ़ी, लेकिन व्यू जो है यहाँ का बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी शांति महसूस हो रही है यहाँ पर आने के बाद। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी तरह से सामने लोग फोटोज़ खिंचवा रहे हैं, और लाइटिंग तो यहाँ की बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप एक नज़र डालिए यहाँ की लाइटिंग की। देखिए, यहाँ से आपको गोल्डन टेंपल का नज़ारा मिल रहा है, बिल्कुल बीच में है, चारों तरफ ये आपका तालाब आ गया, और बीच में बिल्कुल कितनी सुंदर लाइटिंग है यहाँ पे। अगर आप ओवरऑल भी देखें, यहाँ का व्यू इतना सुंदर है कि बिल्कुल ही मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए कि कितनी सुंदर यहाँ पर एक एक चीज़ लग रही है, एक जगह लग रही है। बहुत श्रद्धा से यहाँ पर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ से जब ऐसे आप एंट्री करेंगे गेट नंबर 2 से आके, उसके बाद सीधे आपको जो व्यू मिलेगा ये मिलेगा गोल्डन टेंपल का। अभी हम अंदर भी जाएंगे वहाँ पर, तो मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ। अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, पर मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ कितना सुंदर वहाँ जाके लगेगा। तो चलिए हम चलते हैं अब अंदर। देखिए, जो ये तालाब आपको देखने को मिलता है या सरोवर जिसे हम कहते हैं, इसे सन 1577 में गुरु रामदास जी, जो सिख धर्म के चौथे गुरु थे, उनने पूरा करवाया था। उसके बाद सन 1604 में गुरु अर्जन देव जी ने इस मंदिर के अंदर आदि ग्रंथ की एक प्रति रखी थी। इसके बाद जब महाराजा रणजीत सिंह आए, उन्होंने भवन के ऊपरी जो आधा हिस्सा है उसको 400 किलो, जी हाँ 400 किलो के सोने की पत्ती से बनवाया था। हमारे साथ अंकल जी हमें बताएंगे इस जगह का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। यह स्थान श्री गुरु रामदास जी का है, श्री हरिमंदर साहब। तो जी, यहाँ पे जो लंगर प्रसाद है वो गुरु रामदास जी के समय से ही चलता आ रहा है। हाँ जी, गुरु राम जी लंगर जो वैसे सिखा का जो लंगर है गुरु नानक देव जी ने शुरू किया। हाँ, गुरु नानक जी ने भी किया था। गुरु नानक देव जी ने की किया जो उन्होंने पिता जी ने व्यापार करने भेजा। जी जी, उतने उन्होंने जो 20 रुपये दिते थे उस टाइम के, 20 रुपये जो मेरे ख्याल अज की डेट च 20 लाख के बराबर हो गए। हाँ, 20 लाख के बराबर। वो 20 रुपये उन्होंने दिते व्यापार करने वास्ते, तो उन्होंने की किया कि राह संगत सी भुखे साधु जी। अच्छा अच्छा, उन्होंने जो लंगर छका। अच्छा अच्छा, तो लंगर जो यहोजा छकया कि
ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਬਤਾਈ ਗਈ ਹੈ ਫੁੱਲ ਉਹ ਲੰਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਜੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਹਮ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਮੇਂ ਲੰਗਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵੋ ਕਰਨੇ ਦੇਂਗੇ ਹਮੇਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਦੇਂਗੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਭ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਤਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਜੈਸੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਤੀ ਹੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ चौबीस घंटे कीर्तन होता है अच्छा अच्छा मतलब इसकी कुछ टाइमिंग भी अलग अलग है या फिर आप मतलब टाइमिंग ऐसे है कि जब वो अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी 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 उनको जब लेके जाते हैं उस टाइम जो कीर्तन बंद होता है सिर्फ दो घंटे के लिए और यहाँ पे मतलब कोई विशेष विशेष पर्व मतलब विशेष उत्सव भी होता होगा तो दिवाली जो है दिवाली पे यहाँ पे मेन जैसे एक बहुत चीज मशहूर है कि दाल रोटी घर की जी दिवाली अमृतसर की हाँ दाल हाँ क्या बात है मतलब दिवाली जो है अमृतसर यहीं पे मनाते हैं अच्छा 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 बहुत धूमधाम से अच्छा 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 तो मतलब ये यहाँ पे जो ये तालाब दे रखा है इसको अपन क्या बोलते हैं मतलब सरोवर बोलते हैं अच्छा मतलब सरोवर जो है इसमें स्नान जरूर करना चाहिए स्नान कर सकते हैं मतलब गुरबानी जो है ना जी इस पानी जो है इसमें पवित्र हो गया अच्छा जो पानी नहीं रहा अमृत बन गया अच्छा अच्छा तो अमृत में जो है जो कोई भी अमृत लेता है तो मैंने कहीं कहीं गुरुद्वारों में देखा है मतलब जैसे ग्वालियर में देखा है हाँ। तो वहाँ पे है ना मछलियाँ भी होती है मतलब सरोवर में हाँ, जो मछलियाँ है ना वैसे तो मछली आपको पता है कि मछली जो है पानी को गंदा नहीं करती नहीं करती वो साफ रखती है हाँ। कोई भी छोटी मोटी होता है ना कोई काई वगैरह हाँ। तो साफ करती हाँ मेरे ख्याल में इसीलिए मछली जो अच्छा यहाँ पे अच्छा हम दाना भी दे सकते हैं यहाँ पे जाए तो दाना नहीं यहाँ नहीं देते दाना अपने हिसाब से देते हैं अपने हिसाब से देते हैं अच्छा अच्छा ठीक है धन्यवाद जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया तो अभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अब यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अच्छी सेवा है अब यहाँ पर आइए जल ग्रहण कीजिए शुद्ध एकदम सेवा ही सेवा हर तरफ आप देखेंगे हर तरफ आपको सेवा ही देखने को मिलेगी इसी को शायद गोल्डन टेम्पल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हर काम बहुत ही सेवा से और काम भी गोल्डन ही है ये सेवा करना अभी मैंने देखा यहाँ पे अंकल जी ने यहाँ पे पानी डाला अंकल जी बताइए पानी क्यों डाला इसमें आपने ये यहाँ से बाहर जाता है गर्म पानी है ये हाँ ये गर्म पानी जड़ी प्रसाद वाली थाली नहीं लाई था अच्छा अच्छा तो बाहर जाता है तो बाहर अच्छा ये पानी यहाँ से डालते हैं और बाहर तक जाता है बिल्कुल इसमें बिल्कुल ही अलग माहौल महसूस हो रहा है यहाँ पर अंदर आने के बाद बिल्कुल तालाब भी हमारे साथ ही साथ है यहाँ पर वहाँ से हमें एंट्री लेनी है अंदर जाके और जब तक यहाँ पर हम चलते जा रहे हैं और साथियों मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग सामने प्रार्थना कर रहे हैं बैठे हैं याद कर रहे हैं ईश्वर को तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर ऐसा देख कर सुकून मिलता है जिसे कहते हैं अंदर से लाइन बोली थी उनने कि घर की दाल रोटी और अमृतसर की दिवाली जो वो लाइन बोली थी मतलब कि दिवाली का जो यहाँ पर उत्सव होता है वो बहुत ही बड़ा उत्सव होता है चलिए अब हम अंदर चलते हैं अंदर तो शायद रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है तो मैं दर्शन करके आता हूँ मत्था टेक के आता हूँ फिर आपको बताता हूँ कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस देखिए अब हम अंदर जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए
देखिए हमने दर्शन किए अंदर, मत्था टेका, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए हम बाहर के वो चलते हैं। बहुत ही शांति मिली अंदर मत्था टेक के। अंदर फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं है, तो इसलिए फोटोग्राफी तो नहीं की हमने, पर अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार मत्था टेक लीजिएगा यहाँ अंदर आके, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना सुंदर नज़ारा है, आप यहाँ से देखिए। गोल्डन टेंपल के अंदर जाकर मत्था टेका मैंने और बहुत ही अच्छा आनंद मिला अंदर जाके। मतलब ऐसा लगता है कि आप कहीं और ही आ गए हैं, क्योंकि इतनी सुकून मिलता है अंदर जाके। हम चलते हैं यहाँ पर लंगर प्रसाद लेने, आप भी आए तो ज़रूर यहाँ पर लंगर प्रसाद लीजिएगा। तो चलिए, बहुत ही अच्छा प्रसाद तो है, बहुत स्वादिष्ट होता है, उसके बारे में कुछ कहने की बात नहीं है। लेकिन अब हम अंदर चलेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे। चलिए मेरे साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद लेने आए हैं, आप भी हमारे साथ प्रसाद लीजिए, खाना लीजिए इस प्रसाद का, इस स्वाद का और इस माहौल का। तो चलिए, मैंने अब आपको दिखाया कि कैसे हमने लंगर में प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद खाया, बहुत ही टेस्टी प्रसाद था। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह से सेवा की जाती है। आप चाहे तो यहाँ पर सेवा भी कर सकते हैं। देखिए, आप चारों तरफ जो नीचे और ऊपर का फ्लोर जो है वो पूरा भरा रहता है लंगर से, जो नीचे नहीं बैठ पाते उनके ऊपर बैठने की व्यवस्था होती है यहाँ पे। अब देखिए किस प्रकार ये हमसे हमारी थाली ले लेते हैं, उसकी झूठन एक तरफ डाल देते हैं, फिर अंदर यहीं पर जो भी श्रद्धालु आते हैं या यहाँ के जो भी लोग हैं वो सब मिल के ये जो बर्तन हैं इनको साफ़ करते हैं। आप देख सकते हैं सामने कितने सारे लोग मिलके आटा गूंद रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं, कुछ लोग चावल बना रहे हैं, तो सब मिलके यहाँ पर इकट्ठी सेवा करते हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि आप लोग भी चाहे तो सेवा कर सकते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से और कितनी सफाई से, शुद्ध तरीके से यहाँ पर प्रसाद बनाया जा रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर अपनी सेवा भी कर सकते हैं। देखिए, मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पर गोल्डन टेंपल के परिसर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब तरफ एक प्रसाद भी बट रहा है और आप चाहें तो यहाँ पर सेवा भी कर सकते हैं। कुछ लोग जो फर्श पे पानी गिर जाता है उसको साफ़ करके सेवा कर रहे थे, कुछ लोग पानी पिलाकर सेवा कर रहे थे, कुछ लोग लंगर में अपनी सेवाएँ दे रहे थे। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ से गोल्डन टेम्पल आपको यहाँ पर सामने नज़र आएगा। तो बहुत ही अच्छा सफ़र रहा, बहुत ही अच्छा रहा, और मतलब इतनी शांति मिलती है यहाँ पर आके। सबसे अच्छी बात यहाँ की है जो लाइन का जो वो है, क्या कहते हैं उसे, किस तरह से लोग अंदर जाएंगे, मतलब वो बहुत ही प्रॉपर है। धीरे धीरे लाइन से लोग आगे अंदर जाते हैं और अच्छी तरह से दर्शन करते हैं। तो ये हमने आपको दर्शन कराए हरमिंदर साहिब मंदिर यानी कि गोल्डन टेंपल के। अब चलिए बाहर चलते हैं और अपने जूते चप्पल कलेक्ट करते हैं जो हमने बाहर जमा कराए थे। इसमें चार गेट हैं तो आप देख के ही जमा कराइएगा। चलिए अब चलते हैं, जूते चप्पल अपने लेते हैं।